अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नयाब रमजान है एंड आई एम एलोकेटेड टू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आज का ऑनलाइन सेमिनार करने की वजह आप लोगों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करना था। ये इंटरेक्टिव सेशन करना था कि हम इस बात पर डिस्कस करें कि सीएस में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। आप एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा देर से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैडम आप ये बताएं कि प्रोसी राइटिंग कैसे होती है, आप ये बताएं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। इस पर्पज के लिए मैंने आज ऑनलाइन सेमिनार रखा था ताकि मैं आप लोगों से एक इंटरेक्टिव सेशन भी करूं और आप लोगों को ये बताऊं भी कि सीएसएस में क्या क्या चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जिसे मैं एड्रेस करना चाहूंगी वो आमना का था। आमना ने मुझे कराची से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मैडम मुझे बताएं कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है। यूजुअली हम यही समझते हैं हमेशा, वी थिंक दैट कि प्रेसी राइटिंग जो है उसका मतलब है कि हम छोटा करके लिखें, लेकिन एक्चुअली प्रेसी राइटिंग का मतलब छोटा करके लिखना नहीं होता, बल्कि प्रेसी राइटिंग का मतलब ये होता है कि हम वो सेंट्रल थीम फाइंड करें जिसके इर्द गिर्द सारा पैराग्राफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, आपके लिए जरूरी है कि आप वो सेंट्रल थीम को ढूंढें और इसके इर्द गिर्द जो भी एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं, उन सबको इग्नोर करके आप सिर्फ वो सेंट्रल थीम फाइंड करें जो कि एग्जामिनर ने आपको जो है वो दी हुई है। अगर वो एजुकेशन पे कोई ऐसे डिस्कस करना चाह रहा है, मतलब एजुकेशन पे कोई पैराग्राफ डिस्कस करना चाह रहा है, तो वो उस थीम को, मतलब एजुकेशन को वो थीम के तौर पर रखेगा, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द आर्ग्यूमेंट्स होंगे या एग्जाम्पल्स होंगी या बाकी सब चीजें होंगी वो तो फिर आपने डेफिनेटली खुद सॉल्व करनी होती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रेसी राइटिंग और आमना खासतौर पर आपको समझाने के लिए टूडे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रेसी राइटिंग का मतलब ये ना सोचा करें कि सिर्फ 1/3 करना ही प्रेसी राइटिंग का मकसद होता है। यूजुअली एस्पिरेंट्स करते क्या है कि वो एक पूरा पैराग्राफ देखते हैं, उसमें 3 से 4 लाइन्स को लेकर पहले उसे एक छोटा सेंटेंस बनाते हैं, फिर नेक्स्ट 3 लाइन्स को लेते हैं, उसमें भी यही काम करते हैं कि एक छोटा सा सेंटेंस बना देते हैं और फिर कंटिन्यू करते रहते हैं इसी तरह, और समझते हैं कि चूंकि हमने 3-4 सेंटेंसेस का एक शॉर्ट सेंटेंस बना दिया और उसे 1/3 कर दिया, देयरफॉर अब यही हमारी प्रेसी होगी। जबकि प्रेसी का मकसद ये नहीं है, प्रेसी का मकसद आपका उसे आइडिया देना होता है कि आपने ये डिस्कस किया, एक्चुअली आप हमसे पूछना ये चाह रहे हैं। डेफिनेटली मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी कि जब कभी कोई ट्रैफिक का हादसा हो जाता है, यूजुअली मैं अपने एस्पिरेंट्स को भी यही देती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी, कि जब कभी ट्रैफिक का कोई हादसा हो जाता है तो आपसे, आप कभी ट्रैफिक वार्डन से कोई क्वेश्चन पूछे ना कि सर क्या हुआ है, तो ही डेफिनेटली से कि जो है ट्रैफिक का हादसा हो गया, वो ही नेवर से कि एक ट्रक आ रहा था दूसरा आ रहा था, वो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी नहीं जाता। आप ये समझते हैं कि एफपीएससी का जो एग्जामिनर होता है ना वो आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा होता है और आपने वो सेंट्रल आइडिया फाइंड करना होता है जिसके इर्द गिर्द सारा पैराग्राफ रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। शाहनवाज ने मुझसे पूछा था मुल्तान से, आज सारे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर रिसीव हुए थे और लास्ट डे से भी हो रहे थे, जिसे मैंने अपनी असिस्टेंट से कहा था कि लिख ले और मैं इनका कोशिश करूंगी कि ऑनलाइन सेमिनार में जवाब दूं। डेफिनेटली जो आप इस वक्त पूछेंगे उसका जवाब तो देना मुझ पर फर्ज ही फर्ज है, लेकिन इसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी एड्रेस करूंगी जो काफी दिनों से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम आप ये बताएं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अगर मेरे फ्रेंड ने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए ऑप्ट किया तो मैं इसे रख लूं या फिर मैं स्कोरिंग ट्रेंड दिखा करूं, मेरे लिए क्या बेसिक चीज क्या होगी जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन को जो है ना वो ऑप्ट करूंगा, ऑप्शनल को ऑप्ट करूंगा या फिर उसकी तैयारी करूंगा। देखें सबसे पहली ऑप्शनल को सब्जेक्ट, ऑप्शनल के किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपकी एक्सपर्टीज होती है। अगर आपको लगता है कि मैंने इंटरनेशनल लॉ में या इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई डिग्री की है लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पे ज्यादा ग्रिप है एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉ, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी मेरे पास इस सवाल का जवाब सिर्फ यही है कि आप इंटरनेशनल लॉ के बजाय, इंटरनेशनल रिलेशंस के बजाय फिर आप पॉलिटिकल साइंस को अडॉप्ट करें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक्सपर्टीज ज्यादा है तो आपको पॉलिटिकल साइंस रखनी चाहिए। मुझे पता था कि मैंने इंटरनेशनल लॉ को भी पढ़ा हुआ है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया था, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी उसमें पढ़े, मैं लॉयर भी हूं, देयरफॉर मैंने अपने लॉ के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी पढ़ा, इंटरनेशनल लॉ को भी पढ़ा, मेरे बड़े अच्छे मार्क्स थे, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स जो ग्रांट किए थे। इसके बावजूद मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम ज्यूरिसप्रूडेंस, सिर्फ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में से मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बेहतर तौर पर आता है। और अगर आपको यह एहसास हो जाए कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट बहुत बेहतर तौर पे आता है, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको वही सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करना चाहिए जो आपको बेहतर तौर पे आता है।
इससे होता ये है कि आप कंपटीशन में आ जाते हैं और आपका जो लेवल होता है एक क्वेश्चन का आंसर देने का वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर हम एस्पिरेंट्स ये समझ जाएं कि हमें ऑप्शंस को अडॉप्ट करते हुए, ऑप्शंस को ऑप्ट करते हुए हमें किसी की तरफ नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कि मैडम नयाब ने ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट की थी तो हम ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट कर लें, हमें ये भी नहीं देखना कि मैडम नयाब ने पंजाबी रखी थी तो हम पंजाबी रख लें। अगर मैं किसी भी वक्त पंजाबी के हक में बोलती हूं या ये कहती हूं कि पंजाबी को आप एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पर रखें, तो मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि पंजाबी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज हमेशा हमें दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स देती है। आप सिंधी रखें, आप कुछ तो रखें, जो आपकी लैंग्वेज आप रखें उसमें आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक दैट कि आपके क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी इन सब्जेक्ट से ज्यादा बेहतर मार्क्स आ सकते हैं अगर आप लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मेरे पास भी डेफिनेटली, जैसे आप परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान थी कि मुझे जो है वो क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने यही सोचा कि अगर मैं पंजाबी को रखूंगी तो मेरे मार्क्स बहुत बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, फिर हम एक आधा और क्वेश्चन जो है देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि मैडम एसे राइटिंग में आप हमेशा ये कहती हैं कि कीवर्ड को पढ़ें। ठीक है, आप हमेशा ये कहती हैं कि कीवर्ड को पढ़ें और कीवर्ड की डोमेन को तैयार करें। आज मैं आप लोगों को बहुत एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक्चुअली मैं ये जो इंटरेक्टिव सेशन रखना चाह रही हूं, मैं एड्रेस करना चाह रही हूं आप लोगों के क्वेश्चंस को जो आप लोगों के दिल में उठते हैं कि मैडम ये हो गया तो अब ऐसे क्या करें, अब ये सिचुएशन आ गई तो अब क्या करें। देखिए, अगर आप ऐसे राइटिंग में कीवर्ड तैयार कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रिपेयर्ड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो क्या आपको लगता है कि एफपीएससी आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे जज करेगी? ऐसा नहीं है, एफपीएससी का इदारा आपको जज करता है आपकी डोमेन पे, आपकी रिसर्च बेस्ड नॉलेज पे। वो ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे आपने देखा होगा हमेशा पेपर में, हमेशा डिस्कस करती हूं कि आपने ये देखा होगा कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे जब भी कभी ऐसे देगा तो कभी ये नहीं लिखेगा इकोनॉमी, या कभी ये नहीं कहेगा करप्शन, या कभी पेपर में ऐसा नहीं लिखा होता एजुकेशन, क्योंकि एक्चुअली वो आपको आपके रिसर्च बेस्ड नॉलेज को चेक करना चाह रहा होता है। आपकी जो रिसर्च होती है, आपका जो नॉलेज होता है, डीप नॉलेज होता है, वो एक्चुअली उसे देखना चाह रहा होता है कि आपका नॉलेज कितना अच्छा है। जब भी कभी वो ये देखना चाह रहा होता है तो फिर वो ये भी कोशिश करता है कि वो आपको ऐसी डोमेन दे जो कि पाकिस्तान में उस वक्त एप्लीकेबल भी है, वो करंट सिनेरियो में भी है, और उसके साथ साथ उसके स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े हाईलाइटेड है न्यूज़पेपर में। आप मेरी बात को ऑब्जर्व कीजिएगा, लास्ट जो पेपर्स हो रहे हैं ऐसे के उनको देखिएगा गौर से, और आप अंदाजा कीजिएगा कि पेपर में हमेशा वो डोमेन देता है, कोई ना कोई एस्पेक्ट देता है, वो कभी एक जनरल ऐसे को डिस्कस करने को नहीं कहता। इसलिए आप ये मिस्टेक करते हैं, एस्पिरेंट्स यहां मिस्टेक क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स एक्चुअली डिस्कस कर रहे होते हैं टॉपिक को। मुझे पता चल गया ना कि जेंडर स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो मैं हमेशा जेंडर स्टडी को एक, मतलब जेंडर स्टडीज के टॉपिक को मैं जनरल तैयार कर लूंगी, लेकिन मुझे नुकसान पेपर में ये होगा कि जब मैं वहां डिस्कस करूंगी तो मेरे बड़े मतलब बहुत बुरे मार्क्स आएंगे। इस वजह से बुरे मार्क्स आएंगे क्योंकि उसने मुझे ऐसे जेंडर स्टडीज पर लिखने को नहीं कहा, उसने मुझे उसकी डोमेन डिस्कस करने को कहा। देखें, अगर वो यूजुअली एक बड़ा हॉट टॉपिक है वाई या जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान, ठीक है, अगर मैं अपने आप को देखूं तो इस टॉपिक पर मैं कभी भी ये नहीं लिखूंगी इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ द जेंडर इक्वालिटी, कंसिक्वेंसेज ऑफ द जेंडर इक्वालिटी, इस तरह की बातें लिखना बहुत एब्जर्डिटी क्रिएट कर देती है। और आपने पेपर में बड़ा क्लियर लिखना होता है, आपने कोई ऐसी चीज नहीं लिखनी होती या ऐसी बातें नहीं लिखनी होती जो कि एग्जामिनर की समझ में ना आए, कि अगर एक दफा उसे अंदाजा हो गया कि यू हैव नॉट अंडरस्टूड द स्टेटमेंट, तो फिर आप अंदाजा कर लें कि आपके साथ वो क्या करेगा, वो आपको फेल करेगा। कितने मार्क्स पे फेल करना है ये उसकी डिस्क्रिप्शन पे है, कि वो आपको 2 पे रखे या फिर 22 पे रखे या फिर 40 पे रखे, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आप ये देखें कि आपने स्टेटमेंट को डिस्कस करना होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, तो क्या ये मिथ है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको पहली फर्स्ट 2 लाइन्स में अपना स्टांस लेना चाहिए, ठीक है, आपको अपना स्टांस लेना चाहिए, और स्टांस लेते लेते आपको ये देखना चाहिए कि क्या मेरा स्टांस नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। इधर यू आर सेइंग कि यस जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान, इधर यू आर सेइंग कि नो इट इज नॉट अ मिथ इन पाकिस्तान। एक स्टांस लें, क्लियर स्टांस लें, ताकि पेपर चेकर को ये अंदाजा हो जाए। वेट फॉर अ मोमेंट।